डिस्कस पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 111 टू 120 ऑफ पीजीटी फिजिक्स बीपीएससी। क्वेश्चन नंबर 111। अ पंप ऑन ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब, और टाइम गिवन है 15 मिनट, लेकिन उसको सेकंड में अगर चेंज करें तो ये 15 × 60 सेकंड में आ जाएगा। और जो हाइट है वो गिवन है 40 मीटर। पंप की एफिशिएंसी में ईटा बोल रहा हूँ, ये 30% है। तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर वो होगी जितना काम हो रहा होगा, इनपुट पावर हमें निकालनी है। इट विल बी इक्वल टू 1/8 ईटा इंटू आउटपुट पावर। अब आउटपुट पावर किसके इक्वल होगी, एम जी एच के, क्योंकि पानी ऊपर ला रहे हैं, एच हाइट ऊपर ला रहे हैं, तो हमें वर्क करना होगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड इट विल बी इक्वल टू एम जी एच अपॉन में ईटा, मतलब 30% है, तो 30/100, तो 100 जाएगा ऊपर। अब 100/30 इंटू मास, देखो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो यहाँ पर हम मास को चेंज करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमें 30 मीटर क्यूब गिवन है, तो डेंसिटी वाटर की होती है 1000 इंटू में वॉल्यूम 30, तो ये आ जाएगा मास। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम की वैल्यू 30 इंटू में 1000, जी की वैल्यू 9.8 ले लेते हैं, और हाइट 40 मीटर है, तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 43.58 किलोवाट। तो नियरली आंसर इक्वल होगा 43.57, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112। इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको मीटर में लिखूँ तो 10^-10 मीटर आएगा, और वेलोसिटी गिवन है 2.2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड, एंगल गिवन है 30 डिग्री। अगर मास इलेक्ट्रॉन का 9 × 30−31 kg है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, या फिर मोमेंट अगर मैं इसको डायमेंशन में लिखूं तो हो जाएगा आर एम वी साइन थीटा, मतलब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आर एम वी साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। रेडियस गिवन है 0.53 × 10^-10, मास 9 × 31 में, और स्पीड 2.2 × 10^6, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती, तो 1/2, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 5247 × 10^34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट किसी भी ऑप्शन में ए बी सी में से ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 113। इफ द लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, तो हम क्या कहेंगे, वो होता है इक्विलिब्रियम। मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए फोर्स इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, अगर मोमेंटम जीरो है, सॉरी मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो फोर्स जीरो होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं टोटल इक्विलिब्रियम। ये होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और ये होती है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो दोनों को मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114। द बॉटम ऑफ शिप इज हैवी टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो बॉटम अगर हैवी होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे रहेगा, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एट लो लेवल। क्वेश्चन नंबर 115। अ पार्टिकल ऑन रोटेटिंग डिस्क हैज इनिशियल एंड फाइनल एंगुलर पोजिशन गिवन है, मतलब ये हो गया थीटा इनिशियल और ये हो गया थीटा फाइनल। तो पूछा किस में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं करूँगा थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो आएगा 6 − −2, ये हो जाएगा 8, सेकेंड में −8, फिर −−4, तो कितना आएगा −8 + 4, इसका मतलब −4, फिर थर्ड पार्ट में +2 − 6, तो आएगा −4, तो
आप देख रहे हो दो ऑप्शन में माइनस आ रहा है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस रोटेशन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा की वैल्यू वन है तो आई की वैल्यू कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमें बताना है। काइनेटिक एनर्जी का जैसे लीनियर मोशन में फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो रोटेशन में ये फॉर्मूला हो जाता है 1/2, मास को इनर्शिया लिखते हैं और वी को ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वेयर। अब ओमेगा कितना है यहाँ पर, यूनिटी यानी कि वन, तो हम लिख सकते हैं के इक्वल टू आई अपॉन में टू, या फिर आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 * में काइनेटिक एनर्जी, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आई विल बी इक्वल टू 2 times काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 117, एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 RPM टू 360 RPM, पूछा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो देखिए हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इट इज गिवन 484 जूल। अब मैं इसको ओमेगा इनिशियल लिख लेता हूँ और ये ओमेगा फाइनल स्पीड, तो लेकिन इसको मैं ये RPM है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको मैं चेंज करना होगा रेडियन पर सेकंड में, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 60 * में, देखो रेडियन मतलब 2 π और पर मिनट है तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 60, ये हो गया लेट ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल हो जाएगा 360 * में 2 π अपॉन में 60, तो अगर मैं इसको यहाँ से लिखूँ 60 60 कैंसिल तो 2 π और यहाँ पर ये 6 आएगा तो 12 π। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमें फाइंड करना है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं 1/2 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला होता है, लेकिन क्योंकि ओमेगा चेंज हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। अब काइनेटिक एनर्जी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा इट विल बी इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 आई कॉमन ले लिया, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, यहाँ पर आप दोनों के स्क्वायर को माइनस करेंगे तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 144 π² - 4 π² इट विल बी इक्वल टू 140 π². सो 2 को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 8 968 आई और ये 140 π² हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सो आई विल बी इक्वल टू 968 अपॉन में 140 * π² तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 0.7 kg/m², यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 118, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM इन 16 सेकेंड, एंगुलर एक्सेलेशन कितना होगा। तो आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, रोटेशन में ही चेंज हो जाती है, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू में टाइम टी, तो यहाँ पर हमें अल्फा निकालना है, सो इट विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम टी, सो अल्फा विल बी इक्वल टू, सिंस ये RPM में तो हम RPM को चेंज करेंगे 2π/60 से मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकंड में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, तो वन ये ओमेगा फाइनल 3120 ले लेते हैं, 3120 * 2π/60 माइनस 1200 2π/60 अपॉन में टाइम कितना है 16, तो कॉमन ले लेते हैं पहले 2π/60 ये 1/16 इंटू में 3120 माइनस 1200, तो इसमें आपको पाई पाई को मत हटाना, पाई को एज इट इज रखेंगे तो ये आएगा 4π आंसर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 119, अ व्हील हैज कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेशन यानी कि अल्फा गिवन है 3 rads/s² और टाइम है 4 sec interval, इट टर्न्स थ्रू एन एंगल यानी कि थीटा है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 120 rads गिवन है, तो पूछा है कि इट्स इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी होगी, ओमेगा इनिशियल पूछा है। देखो ये तीन इक्वेशन होती है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS,
बट रोटेशन में इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाती है, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टाइम थीटा आ जाता है यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। बट हमें यहाँ पर टाइम गिवन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, तो टाइम वाली इक्वेशन है ये दोनों, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी इक्वेशन में आ रहा है, तो इसी इक्वेशन को उठा करके यूज करते हैं, ओमेगा इनिशियल टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर, थीटा कितना है 120, ओमेगा इनिशियल निकालना है, टाइम है 4 सेकेंड प्लस 1/2 अल्फा है 3 इंटू टाइम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो इसको हमें ओमेगा के लिए सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा 24, इसको आप लिख सकते हो 120 माइनस 24 इक्वल टू 4 टाइम्स ओमेगा i, मैं 4 यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ओमेगा इक्वल टू आएगा 96/4 यानी कि 24 रेडियन पर सेकेंड, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 120, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम सन, तो लेट ये है आर मिनिमम और यह आर मैक्सिमम, तो ये हमें गिवन है मैक्सिमम जो है डिस्टेंस आर मैक्स वो है 1.4 × 10^12 मीटर और मिनिमम डिस्टेंस है 7 × 10^10 मीटर। इफ द वेलोसिटी नियरेस्ट टू सन यानी कि जब डिस्टेंस मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्स होगी एक्चुअली, तो वो गिवन है 6 × 10^4, तो हमें बताना है इट्स वेलोसिटी फार्देस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होगी वो कितनी होगी ये पता करना है। एक्चुअली जब कोई भी प्लेनेट रिवॉल्व करता है, कॉमेट रिवॉल्व करेगा, तो उस पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगी और टॉर्क इक्वल टू dl/dt होता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कॉन्स्टेंट होगा तो कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, ठीक है, मतलब जब एंगल 90 डिग्री होगा तब के लिए mvr लिख सकते हैं, तो ये रहेगा कांस्टेंट। अब मास तो दोनों तरफ सेम रहेगा, तो हम कह सकते हैं v इंटू आर विल बी कांस्टेंट, तो इसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो रेडियस या डिस्टेंस मिनिमम होगा, या आप इसका ऐसे लिख सकते हैं v1 r1 इक्वल टू v2 r2, तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ वी मैक्स आर मिनिमम इक्वल टू वी मिनिमम इंटू में आर मैक्सिमम। अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम निकालनी है, मतलब ये वाली वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, तो हम लिख सकते हैं बी मैक्स इंटू में आर मिनिमम अपॉन में आर मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू वी मिनिमम, वी मैक्स कितना है 6 × 10^4, रेडियस या कह लो डिस्टेंस मिनिमम यह है 7 × 10^10, डिवाइड कर देते हैं आर मैक्स है जो कि है 1.4 × 10^12, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट द मिनिमम, जो मिनिमम वेलोसिटी होगी फार्देस्ट पॉइंट पर वो आएगा 3000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा।